नमस्कार। आज हम आए हैं यहाँ पे डॉक्टर स्वामी विनय जी के पास, और यहाँ पे आकर के हमें ये देखा कि रिवर्स डायबिटिक, रिवर्स हार्ट और रिवर्स थायराइड के जो पेशेंट हैं वो ये काफ़ी नेचुरल प्रक्रिया से उनको ठीक कर रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर ये रिवर्स डायबिटिक, रिवर्स हार्ट डायवर्स डायबिटीज़ के जो पेशेंट है ये कैसे है उन्होंने किया कमाल। बहुत अच्छा प्रिया जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। हम लोग लगातार रिवर्स डायबिटिक, रिवर्स थायराइड और रिवर्स हार्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्पष्ट है, जिस कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद में इसका वर्णन है, पुराणों में इसका वर्णन है, उसी को केवल हम आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में पोटेशियम है और सोडियम है, तो हमारा आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अगर सोडियम और पोटेशियम का जो रेशियो है अगर वह ठीक हो तो वह व्यक्ति आसानी से इस बीमारियों से छुटकारा पाता है। और हमारे जैसे हार्ट के जो मरीज हैं इनके में भी पहले ही डॉक्टर या सोडियम और पोटेशियम की जांच कराता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पोटेशियम अपान सोडियम, मतलब अगर हमारा पोटेशियम अधिक है, सोडियम कम है, तो हमारा पोटेशियम की मात्रा बढ़ता है। अगर हमारे डाइट में सोडियम बढ़ गया तो पोटेशियम की मात्रा कम हो जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये मरीजों को ठीक करने का, जो रिवर्स डायबिटिक है, रिवर्स थायराइड है या रिवर्स हार्ट है, इसमें हम पेशेंट्स को पोटेशियम रिच डाइट देते हैं और सोडियम रिच डाइट हम बंद करते हैं। इसको भोजपुरी में अगर कहा जाए तो केवल इतना मतलब है कि जो भोजन भगवान ने बनाया वह पोटेशियम रिच होता है और जो मनुष्य ने बनाया वह सोडियम रिच होता है। जैसे फल है, हमारी हरी सब्जियां हैं, या जो पत्तेदार चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, ये सब पोटेशियम रिच डाइट होते हैं। तो हम अपने मरीज को बताते हैं कि आप सुबह उठ करके आप उनको कुछ प्राणायाम एक्सरसाइज बताते हैं, उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि आप सुबह से लेकर के 12 बजे तक केवल सीजनल फल खाएंगे, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि भोजन के साथ आप सब्जी खाएंगे, सलाद लेंगे। तो ये सारे चीज़ का एक रेशियो होता है, यह रेशियो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का वेट क्या है, उस वेट के हिसाब से हम उसको निश्चित करते हैं कि कितना उसको फल खाना है, कितना उसको सब्जी खाना है, और पूरी उसकी दिनचर्या पूरे दिन का हम सेट करते हैं। और उसके साथ केवल हम एक पंच अर्घ देते हैं, जिसमें हमारा अर्घ में अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता होता है। एक प्रकार से समझ लीजिए कैटालिस्ट का काम करता है। और ये थेरेपी इतनी कारगर इस भारत में हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके। मैंने ऐसा देखा है कि कई मरीज जो इंसुलिन पर हैं, इस थेरेपी के साथ अगर वो चल रहे हैं तो उनका इंसुलिन समाप्त हो जा रहा है। तो यह हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ तेज़ी से हमारी सरकार दवाओं का दाम बढ़ा रही है, मेडिकल खर्चा बहुत बड़ा हो गया है, इस खर्चे को गरीब आदमी या मीडियम वर्ग आदमी नहीं सहन कर सकता है। ऐसे में हम उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाए हैं कि घरेलू चीज़ें जो उनके किचन में है उसी को साथ लेकर के हम रिवर्स डायबिटिक, रिवर्स थायराइड और रिवर्स हार्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ये सारे चीज़ों को अडाप्ट करें। जो हमारा भारत की सभ्यता है उस सभ्यता के हिसाब से चला, हम अपने अतीत के भारत के हिसाब से काम करें, जिससे हम आसानी से इन सब इलाज मरीजों की सब मर्ज का इलाज आसानी से कर सकें। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटा इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी से हमारे लोग सही हो रहे हैं। हमें एक बात हमें और आपसे जानकारी देने की, जो ये रिवर्स डायबिटिक है, तो क्या आपके पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिनके हार्ट और किडनी पे और आंखों पे असर हो चुका होता है, वो भी कुछ क्या ठीक हो सकते हैं? बहुत सही बात कही। देखिए, जो व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है उसका बीटा सेल कम होता है। जैसे ही डायबिटिक का अगला स्टेप ही हमारा रीनल फेलियर होता है, गुर्दा का बीमारी होती है, हमारा रेटिना खराब होता है, हमारा हार्ट खराब होता है, हमारा ब्रेन खराब होता है। तो शुगर अगर हो गया तो समझ लीजिए सारी बीमारियाँ उसकी आने वाली हैं। तो हम शुगर को ठीक करते हैं, और शुगर जब सही होता है, अभी अभी एक उपाध्याय है यहाँ संत कबीर नगर की महिला हैं, उनका प्रोटीन आने लगा था, और गोरखपुर के एक अच्छे डॉक्टर कहे कि आपका गुर्दा खराब लगभग हो चुका है, 50% का आसन खराब हो चुका है। मैं उस पेशेंट को यह थेरेपी दिया हूँ, उसका गुर्दा इसमें पूर्ण रूप से काम कर रहा है, और जो इंसुलिन लगा रही थी इंसुलिन बंद हो गया, सामान्य गोली पर वह चल रही है। तो आप समझिए कि अगर हम शुगर को ठीक कर रहे हैं तो आने वाली सारी बीमारियों को हम ठीक करने जा रहे हैं।
मैं सर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि थायराइड के पेशेंट को देखा गया है, उनको जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी, जिनकी वजह से काफ़ी जो है चेंजेस आते हैं उनके थायराइड ग्रंथि हो चाहे उनकी बॉडी हो, तो क्या सर जो मतलब ऐसे थायराइड पेशेंट होते हैं क्या वो भी रिकवरी हो सकती, जिनको काफ़ी से नहीं हो रहे होते शादी के बाद भी अगर थायराइड, तो क्या ये नेचुरल थेरेपी से वो ठीक हो सकती? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो महिलाएँ अगर वह प्रेगनेंसी अवस्था में उनको थायराइड है, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के पहले जब वो बैचलर थी और उसके बाद उनका दिनचर्या ठीक नहीं था, उनका रहन सहन खराब था और इसलिए उन्हें थायराइड हुआ, तो उसी रहन सहन को हम रिवर्स करते हैं और उसको ठीक करते हैं और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे हमारी सही अवस्था में। चूँकि आप इस बात को समझिए कि हमारा जो शरीर है वह खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अगर हम उसे सही से काम करने दें, मैं शरीर के अपने अंदर पेट में उल्टा पुलटा सामान को न डालें, तो हमें कोई बीमारियां नहीं होने वाली हैं। अब ये छोटा सा उदाहरण सहारा स्टेट का मैं बता रहा हूँ, उसके पास दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो नए हो, जो बीमारी पूछे वही उसको था, बड़ा भारी फाइल लेकर आई थी हमारे पास, लेकिन इस थेरेपी के साथ रही। ये थेरेपी मतलब और कुछ नहीं है, आपके जीवन जीने का जो तरीका है उसी को हम बदल देते हैं, जो वो तरीका जो प्रभु चाहता है, जो ऊपर वाला बनाया है, जिस हिसाब से आपका शरीर उस हिसाब से आपको हम डाइट देती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ये चीज़ हमारे बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था, उसी को मैं आगे बढ़ा। और आपसे सवाल है कि जो डायबिटीज के कारण अधिकतर लोगों में देखा गया है कि उनको झुर्रियाँ जल्दी आने लगती हैं, उसका सर कोई उपाय बता दीजिए। देखिए जो हमारे शरीर में झुर्रियाँ आती हैं वो सीधा सीधा उसका संबंध बोन मैरो से होता है। जो हमारा बोन मैरो का प्रोटीन है वह जब तेजी से समाप्त होने लगता है, जब हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं या नेचुरल प्रोटीन नहीं लेते हैं, हमारा प्रोटीन वहाँ से आने लगता है, ऐसे लोग बहुत 60-70 के नजर आते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनको नेचुरल जो है, देखिए जो यहाँ तक बोन मैरो के प्रोटीन की बात है, तो देसी गाय के दूध ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा बोन मैरो का प्रोटीन बनाती है, तो हम ऐसे लोगों को रिकमेंड करते हैं आप देसी गाय रखें अपने घर में, उसी का दूध पिएं, जिससे जो है आप 80-90 साल तक जो है अपने को यंग महसूस करें, आपको लगे कि जो है आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। बालों का भी झड़ना थायराइड के पेशेंट में देखा गया है, तो उसका कोई आप थोड़ा सा? जी देखिए हमारी जो चिकित्सा है, जो रिवर्स चिकित्सा है, इसका एक सिद्धांत है कि सारे रोग एक हैं, सबकी चिकित्सा एक है, तो हम अलग अलग, जैसे आप समझिए कि गाड़ी में एक ड्राइवर है और अगर उसी गाड़ी में 3-4 स्टेयरिंग लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही है। तो जो अलग अलग तरीका इलाज करते हैं, बाल का इलाज, हार्ट का इलाज, लीवर का इलाज, गोटा का इलाज, तो ये सारे इलाज अलग अलग होने का मतलब है हमारे शरीर में कई स्टेयरिंग लगाया जा रहा है, और इसीलिए हमारे शरीर दिन प्रतिदिन एक एक नई नई समस्या लेकर आती रहती है। तो हमारी जो थेरेपी है वो सारे रोगों को एक साथ ठीक करती है, जो भी हमारे शरीर में कमी है पूरा हमारे शरीर का प्योरिफिकेशन करती है, चाहे वो बाल हो और चाहे हार्ट हो, चाहे वो डायबिटिक हो और चाहे वो थायराइड। ये जानना चाह रही थी कि जैसे अगर इस नेचुरल थेरेपी से इलाज हो रहा तो क्या वो पेशेंट जो है वो जैसे डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादातर राइस और वो शुगर के लिए से अवॉइड होता है, तो क्या इसमें वो खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ऐसे खानों का खाद्य पदार्थ? देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे शरीर में पोटेशियम रिच डाइट हमको लेना पड़ेगा, तो पोटेशियम रिच डाइट तो हमें नेचुरल जो हमारे भोजन है उसी में होता है। जैसे एक आपको छोटा उदाहरण बताएं कि हमारे हार्ट के जितने भी मरीज होते हैं, जब हार्ट के डॉक्टर के पास होते हैं तो इकोस्प्रिन दवा जरूर देते हैं, उससे खून पतला होता है, लेकिन हमारे नेचर में लहसुन है, अदरक है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, और इसकी एक और खासियत है कि इन हम नेचुरल डाइट को लेते हैं तो हमारा खून वहीं पर ये पतला करता है जहाँ पर जरूरत होती है, जहाँ पर खून पतला करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर ऐसा जो रहने देता है, सेलेक्टिव वर्क करता है, इसलिए हम उस गोली से उस दवा से 100 गुना अच्छा हमारा नेचुरल डाइट है। इस डाइट के साथ अगर लोग रहें, चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं हर आदमी नहीं समझ पाता है, इसके लिए हम सिस्टम से समाज सेवी चिकित्सालय में इसकी व्यवस्था किया हुआ हूँ और लोग आते हैं और जो समय उनके नहीं आता उस आरत जो है अपना शंका का समाधान कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जिससे हमारे जो ऐसे मरीज हैं समाज में जो दुखी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो आपकी इस थेरेपी को अपना करके स्वामी जी काफ़ी मतलब स्वस्थ और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जीवित रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।